दोस्तों टीम इंडिया में कई शानदार फील्डर्स की फौज है। फील्डिंग के मामले में सबसे पहले रविंद्र जडेजा और विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन 2023 में इन खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने सभी को सरप्राइज कर दिया है। शुभमन गिल ने 2023 में एक फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में टॉप पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, गिल ने एक कैलेंडर ईयर में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों गिल ने 25 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। साल 1998 में भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वनडे इंटरनेशनल में पूरे एक साल में 23 कैच लिए थे। वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया था। 2019 में विराट कोहली इस रिकॉर्ड से 2 कैच दूर रह गए थे। कोहली ने उस साल वनडे में 21 कैच लिए थे। इसके अलावा मौजूदा समय में भारतीय कोच राहुल द्रविड़ भी भारत की तरफ से एक साल में वनडे में 20 कैच ले चुके हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने इस साल वनडे में 24 कैच लपके हैं। वे इस साल सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में टॉप पर हैं। गिल ने 24 कैच 29 मुकाबलों में लिए हैं। दूसरे नंबर पर हैं डेरिल मिचेल, जिन्होंने 26 मैचों में 22 कैच लिए हैं। गिल ने एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 2 कैच लिए हैं, जबकि डेरिल मिचेल ने एक मैच में 3 कैच लपके हैं। टॉप 10 में भारत के सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल और विराट कोहली। कोहली ने वनडे में इस साल 27 मैच में महज 12 ही कैच लिए हैं। फील्डिंग के अलावा बल्लेबाजी में भी शुभमन गिल का दबदबा कायम रहा। इस साल गिल ने 29 मैच में 1584 रन बनाकर टॉप पर मौजूद हैं। युवा बल्लेबाज ने 5 शतक और 2 50 ठोकी हैं, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर 6 शतक और 8 50 की बदौलत 1377 रन बनाकर विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा।